Movies Mania 007 presenting you I Saw the Devil. शुरुआत में हमें एक वाइट कलर की कार दिखाई जाती है जिसमें बैठी लड़की अपने फियांसे से फोन पे बात कर रही। उनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि उसकी कार पंचर हो चुकी है और वो टो ट्रक का इंतजार कर रही होती है। उसी रूट से एक येलो कलर की वैन निकल रही होती है। वो वहाँ उस कार को देख कर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलता है। वो उससे मदद करने की बात करता है लेकिन वो मना कर देती है मदद लेने से और बोलती है कि वो टो ट्रक का इंतजार करेगी। फिर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो आदमी अचानक से घायल कर देता है। वो उसे किसी सुनसान अड्डे पे ले जाकर उसे ब्रूटली टॉर्चर करता है। लड़की उसे काफी मिन्नतें करती है कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, बट वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारकर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। कुछ दिनों बाद उस लड़की के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ लड़की के पिता जो एक डिटेक्टिव हैं, ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पे उस लड़की का फियांसे भी ये सब देखकर दुखी हो जाता है और गुस्से से भर जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। उसका फियांसे जो इंटेलिजेंट कंपनी में काम करता है अपने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी लेता, फिर एक एजेंट से मिलता है जो उसे एक कैप्सूल देता जिसमें माइक्रोफोन फिट होता है। फिर हमें लड़की के पिता का घर दिखाया जाता है। उसके पिता उसके फियांसे को बता रहे होते हैं कि यही 4 लोग हैं जिन पे पुलिस को शक है। लड़की का फियांसे जिसका नाम सुआन है वो अपने फोन में उन 4ों की तस्वीरें ले लेता है। इसके बाद वो अपने पहले सस्पेक्ट के पास जाता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, बट पूछने के बाद उसे पता चलता है कि वो ये हत्यारा नहीं है। इसके बाद वो दूसरे सस्पेक्ट के पास जाता है, वो भी उस लड़की का हत्यारा नहीं निकलता। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुनसान जगह पे एक लड़की दिखाई जाती है। वहाँ से वही येल्लो स्कूल वैन निकल रही होती है। वह लड़की के पास जाकर रुकती है। उस वैन में वही हत्यारा होता है। वो उस लड़की को लिफ्ट देने की बात कहता है। वो लड़की मान जाती है। कुछ दूर चलते चलते वो उस लड़की पर भी हथौड़ों से बार उसे घायल कर देता है। ये अजीब किस्म का साइको होता है और इस लड़की को पूरी तरह से मार देता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें सियोन दिखाया जाता है जो कि अपने तीसरे सस्पेक्ट के घर जाता है। वहां से उसे पता चलता है जैंग क्यूंगचुल के बारे में और वह उसकी फैमिली से पता लगाकर वह उसके अड्डे पे पहुंचता है। वहां तलाशी लेने पे उसे लड़कियों का सामान और कुछ कपड़े मिलते हैं। तलाशी के दौरान उसे वो अंगूठी मिलती है जो उसकी फियांसी की दिल है। वो अंगूठी देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ स्कूल की लड़कियां दिखाई जाती हैं जो वही स्कूल वैन में बैठी होती हैं। इस दौरान ये भी दिखाया जाता है कि पुलिस जैंग जो कि हत्यारा है उसकी तलाश कर रही होती है। जैंग स्कूल की लड़कियों को उनके घर ड्रॉप करने का काम कर रहा था, जिनमें से वो एक लड़की को अपने अड्डे पे ले जाता है उसे बंदी बनाकर, उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसे टॉर्चर भी करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ सियोन पहुंच जाता है और वो जैंग को बहुत मारता है। मारते मारते वह उसे बेहोश कर देता है पर वह उसे जान से नहीं मारता। फिर वो अपनी पॉकेट में से वही कैप्सूल निकालता है और उसे जैंग को खिला देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जैंग को होश आता है और वह अपने पास पैसों से भरा लिफाफा देखता है और बहुत खुश होता है कि वह ये सब होने के बाद भी जिंदा है। कुछ दूर जाने के बाद जैंग एक टैक्सी में लिफ्ट लेता है। उस टैक्सी में 2 लोग बैठे रहते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद जैंग उनको भी मार देता है बहुत बुरी तरह से। सियोन ट्रांसमीटर की सहायता से जैंग का पीछा कर रहा होता है।
इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेंग एक हॉस्पिटल में जाता है दवाइयां लेने। वहां वो नर्स को देखता है और उसके साथ भी जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। बट उसी वक्त सियोन वहां पहुंच जाता है और फिर से जेंग की पिटाई करना शुरू कर देता है। वह जेंग को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, इसलिए कुछ देर बाद उसे पीट कर वह उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा देता है। सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमें जेंग दिखाया जाता है जिसे अब होश आ गया है और वह अपने दूसरे साइको दोस्त के पास मदद मांगने जाता है, जहां वो उसे बताता है कोई साइको उसे बहुत परेशान कर रहा है, वह उसे लगातार टॉर्चर कर रहा है। वहां रात में जेंग सोचता है कि सियोन क्यों उसे बार बार मार रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने शिकार के चाहता हो। सियोन यहाँ भी पहुंच जाता है जिससे उसे उसका ताजा गोश्त खाने को मिल सके, लेकिन सियोन वहां पहुंचकर उस लड़की को बचा लेता है और उसके दोस्त को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी जेंग अपनी गन लेकर वहां आ जाता है और सियोन को गोली चला देता है, पर कुछ देर बाद ही सियोन उन दोनों पर काबू पा लेता है। वे जेंग को और उसके दोस्त को और उसकी दोस्त की बीबी को मार देता है। वह जेंग को फिर से मरने नहीं देता और उसे हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करवाता है। बेहोशी का बहाना लेकर वह ये बात सुन लेता है कि उसकी बॉडी में कोई डिवाइस फिट कर रखी है जिससे सियोन उसे बार बार ढूंढ ले रहा है। अगले दिन सियोन फिर उसे किसी टनल के पास छोड़ देता है। जेंग वहां से भागकर मेडिकल स्टोर जाता है और वहां जुलाफ की गोली लेकर अंदर लगी डिवाइस को बाहर निकाल देता है और फिर सियोन को फोन करके उसे धमकी देता है कि वह ये सब उसे बहुत भारी पड़ेगा। वह देख सियोन थोड़ा परेशान हो जाता है और वह वापस हॉस्पिटल आता है जेंग के साइको दोस्त के पास, जिससे वह जेंग के बारे में पूछता है कि अब वो कहां गया होगा और क्या करेगा। इस पर जेंग का साइको दोस्त हंसता है और कहता है तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब वह तुम्हारी फियांसे की फैमिली को नहीं छोड़ेगा और उसे मारने के बाद वह खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। यह सुनकर सियोन को बहुत गुस्सा आता है और वह जेंग के उस साइको दोस्त को बुरी तरह से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, जेंग सियोन की फियांसी के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर पहले तो लड़की के पिता को घायल करता है, इस बीच उसकी छोटी बेटी वहां आ जाती है। जेंग उसका रेप करता है और उसकी हत्या कर उसकी बॉडी को उसके घर के बाहर फेंक कर चला जाता है। जब तक सियोन वहां पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं जेंग जो खुद को पुलिस के हवाले कर रहा होता, सियोन वहां है और वहां से उसे ले जाता है। जेंग को ले जाकर सियोन जेंग के अड्डे पर जाता है और उससे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। जेंग उससे मिन्नत करता है कि वह उसे जान से मार दे, पर सियोन कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, अगर मुझे आसान मौत दे तो पहले ही मार देता, तुझे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, जब मारूंगा जब तक डर के मारे तू कांप ना जाए, वही मेरा बदला होगा, सच्चा बदला। जेंग कहता है कि तुम हार चुके हो और मैं जीत चुका हूँ। वह हंसने लगता है। सियोन बोलता है कि तुम्हें ये सब करने में मजा आता है, अब मैं बताऊंगा कि असली मजा क्या होता है। उसकी फैमिली वहां पहुंचती है तो वो ट्रैप खुल जाता है। ट्रैप खुलते ही ऊपर से एक बड़ा सा प्लेट जेंग की गर्दन पर गिरता है और जेंग की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। उसका कटा हुआ सर उसकी फैमिली के पैरों में आकर गिरता है। ये सब शियोन अपने माइक्रोफोन में सुन रहा होता है और वह जीत कर भी हार गया और कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।